नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। और आपको आज मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं दोस्तों और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। और मैं आज आपको जिस विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं वो दोस्तों ब्रिज ग्राफ्टिंग है। शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और करते भी होंगे, परंतु दोस्तों जो लोग नहीं करते हैं या शायद मुझ में कोई कमी भी हो सकती है या आप में कोई कमी हो सकती, तो हम एक दूसरे से वो सुधार सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको ब्रिज ग्राफ्टिंग बताने जा रहा हूँ। और ये पाल्टी मैंने पिछले साल लगाई थी दोस्तों। इसे पाल्टी बोलते, कई पाल्टू बोलते और कई कुछ और भाषा से बोलते, इसलिए दोस्तों मैं सीडलिंग का पौधा है दोस्तों ये, तो इसे मैं लगाने की पार कोशिश करूँगा ताकि इस पौधे को और जान मिले दोस्तों। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ही ड्राई एरिया में रहता हूँ और दोस्तों पानी की सुविधा भी यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है और मैं व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ अभी, इसीलिए मैंने यह तरीका आजमाया था दोस्तों। तो सोचा मैं आपको भी शेयर करता हूँ दोस्तों। और हमें इसके लिए सामान चाहिए, ग्राफ्टिंग रोल और चाकू और कैंची चाहिए दोस्तों। और दोस्तों आप अगर ग्राफ्टिंग रोल से नहीं बांध पाते, अगर कोई सीखने वाला बंदा है या तो कोई प्रोफेशनल है वो तो कर लेगा, और अगर सीखने वाला है तो आप टेप रोल का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। पहले दो चार फोल्ड आप टेप रोल से कर सकते हैं दोस्तों। तब हम चलते हैं। पहले हमें इसमें जो जितनी आपकी पत्तियाँ पंखुड़ियाँ दी है वो सारी निकालनी पड़ेगी दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है कि हमें कहाँ जैसा ये करना है, और पहले आपको पाल्टी ही छीलनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप नहीं तो अगर आप पहले पार कट लगाते हैं, अगर पाल्टी आपसे ख़राब हो जाती है तो आप फिर नहीं छिल पाएंगे उसको। और इस तरह से निशान आपका पार लग जाएगा दोस्तों। अब आप इसमें मैं इसमें भी आपको दो विधियाँ बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से ये कर सकते हैं आप। एक तो इस तरह से छिलके निकाल के कर सकते हैं दोस्तों, कि आप छिलका निकाल सकते हैं इसमें और उसके बाद आप कर सकते हैं दोस्तों। और थोड़ा ऊपर वाला कट थोड़ा ऊपर फंसाना है दोस्तों, बाकी इसमें आप अब इसे हमें बांधना होगा दोस्तों। बांधने के लिए आपको पहले बड़ी सावधानी से बांधना पड़ेगा। बांधने के लिए आप पहले इसे नीचे से थोड़ी सपोर्ट भी दे सकते हैं, उसके बाद आप ऊपर बांधने की ये कोशिश आराम से करते रहे दोस्तों। और दोस्तों कागज़ के अंदर आपकी इसकी आँख बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको आप तब तक निकाल भी नहीं सकेंगे जब तक आपकी ये टहनी जुड़ी पूरी तरह से जुड़ी नहीं है दोस्तों, इसलिए इसके अंदर कोई भी आँख ना रखें। और दोस्तों अब हम इस तरह से इसमें पैकिंग करते जाएंगे दोस्तों।
तरह ताकि कहीं से इसमें हवा ना जाए दोस्तों। थोड़ी बहुत आपको पहले दिक्कत भी आ सकती है बांधने में, परंतु दोस्तों आप बाद में से बहुत अच्छी तरह से और आसानी से बांध सकते हैं, और बाद में आपको बहुत ही आसान काम लगेगा दोस्तों। ये पहले आप शायद ये भी सोच सकते कि बहुत ही कठिन काम है, और इस तरह से दोस्तों मिसे बांधेंगे। अब मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताता हूँ दोस्तों, रुकिए कर लो जी। मेरे बोलो साइड हाउस जगह नहीं बन लगी तो मन मत को अंदर काट दो कर छैन होने बसी पहले तो सही हो ये बोले इस तरह से चील मारने से चील आपको उसी तरह से मारना है जिस तरह से आप कलम लाते हैं दोस्तों। ये थोड़ा इसकी पाल्टी की रेंज थोड़ी ख़राब हो गई थी दोस्तों मेरे, इसीलिए मैं इसको इस तरह से तिरछी करके लगा रहा हूँ दोस्तों, परंतु आप इसे टेढ़ी मेढ़ी चाहे जैसी मर्जी लगाओ, पर आप इसे इस तरह से आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। वो सिर्फ आपके हाथ पर बात करती है कि आप कितना उसके लिए आपको थोड़ा इधर से इस तरह से करना पड़ेगा, और दोस्तों जब आपका इस तरह से हो जाएगा फिर इसको आप फोर्स के साथ इसमें इस तरह से ऊपर डालेंगे जिस तरह से हम स्किन की कलम भी करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आपने सही ढंग से बनना है तो पहले नीचे के लिए इसी ग्राफ्टिंग रोल का धागा सा बनाओ, और आप पहले नीचे से बांध लो क्योंकि तब आपके ये उखड़ी नहीं दोस्तों। और दोस्तों बाद में एक जब आपकी ये पूरी भी हो जाएगी दोस्तों, जब आप सफल हो जाएंगे इसमें ये, फिर भी इसको जल्दी नहीं खोलना दोस्तों जो ये धागा होता है, क्योंकि एक दो बारी मेरे साथ भी थोड़ा बहुत इस तरह का हादसा हुआ कि इसमें मैंने इस धागे को जल्दी खोल दिया और यहाँ उतनी जान नहीं बढ़ पाती है एक साल में, इसलिए इसको एक दो साल और भी रहने दे सकते अगर आप रहने देना चाहें। Thank you.
तो दोस्तों ये हमारी इस तरह से बिछ गया ठीक थी। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इसमें सफल नहीं, तो शायद आप ये सोचोगे कि वीडियो हमारे से दिखाने के लिए बनाई होगी, परंतु दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मैंने 2-3 पिछले साल की थी ब्रिज ग्राफ्टिंग और उसको मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये भी पिछले साल की है दोस्तों, और इसे आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह जुड़ गई है, परंतु धागा दोस्तों मैंने इस साल भी नहीं खोला है और मैं इस साल नहीं खोलूँगा इसमें जब खुद खुद टूटेगा, क्योंकि इसमें उतनी पकड़ यहाँ अभी नहीं बनी है दोस्तों। फिर पिछले साल थोड़ा ड्रॉट ज़्यादा था इसलिए ये ज़्यादा रस नहीं खींच पाई दोस्तों। देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये भी आपका वही उसी तरह का तरीका है, ये भी इसे भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो अंदर की आंखें हैं वो नहीं रहनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें मेरे पिछले साल ये आंखें थोड़ी रह गई थी दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए क्योंकि नहीं तो इसमें अंदर से शूट फट जाते हैं दोस्तों। और एक हम आपको और बताते हैं ऊपर, यहाँ भी देख सकते दोस्तों इस तरह से आपकी ब्रिज ग्राफ्टिंग होगी दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ, और आप कमेंट में मुझे ये ज़रूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि तभी आपको मेरी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।